अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। सो टुडे आई एम गोना शो यू हाउ टू मेक अ टी केक इन प्रेशर कुकर विद इन 1 आवर। सो एज यू कैन सी इन द वीडियो, हमारा केक कितना फ्लफी है और स्पंजी बना है, बहुत ही यमी केक बना है। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में कि ऑयल, 1 कप ऑयल लेंगे, वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम क्या हमने लेना है 1 कप शुगर, जो ग्राइंडेड शुगर है। हमने शुगर को ब्लेंडर में ग्राइंड करना है ताकि वो एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और फिर ऑयल और शुगर को ब्लेंड कर देना है। और जो शुगर है उसको एक साथ ऐड नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, और फिर ऑयल और शुगर को ब्लेंड कर देना है। इस तरीके से हमने ब्लेंड करना है, एज यू कैन सी इन द वीडियो। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे हम लोग, और दोबारा फिर शुगर ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और हमने क्या करना है कि अच्छे से ब्लेंड करना है, और हमने फिर इसके बाद दोबारा शुगर ऐड करनी है और अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि अच्छे से मिक्सचर बन जाए केक के लिए। इस तरीके से हमने अच्छे से ब्लेंड करना है। आप लोग लाजमी दुआ कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा कि कोरोना वायरस से हमारी जल्दी जान छूट जाए, और आप लोग लाजमी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा ताकि हालात बेहतर हो जाए, और घरों में रहिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। इस तरीके से आपने मिक्सचर्स को ब्लेंड करना है ताकि अच्छे से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए केक के लिए। और फिर हमने क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने एग लेना है, 2 एग हमने लेने हैं, और उसको ऐसा ऐसा हमने ऐड करना है, और फिर इस मिक्सचर को ब्लेंड करना है। हमने एक साथ हमने एग को ऐड नहीं करना, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। ऐसा ऐसा हमने एग को ऐड करना है और इसके बाद फिर ब्लेंड कर लेना है। एज यू कैन सी इन द वीडियो, जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ही ईजी रेसिपी है। विद इन 1 आवर आपका केक डन हो जाता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं कि इस केक को बनाने के लिए, और बहुत ही फ्लफी स्पंजी और सॉफ्ट एंड लाइट केक बन जाता है। इसको आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और एज अ स्नैक भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बाकी बचा हुआ अंडा इसमें ऐड करेंगे और फिर उसको मिक्सर को ब्लेंड कर लेंगे। ऐसे हमने एग को ऐड करना है एंड देन हमने मिक्सर को ब्लेंड कर देना है। बीटर के बगैर आप इसमें इस तरीके से फ्लफी और स्पंजी मिक्सर नहीं बनता, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप लोग बीटर ही यूज़ करके केक बनाएं, वरना आपका केक फ्लफी स्पंजी नहीं बन सकेगा। सो बीटर इज़ नेसेसरी। अब हम बाकी बचा हुआ अंडा ऐड करेंगे और मिक्सर को ब्लेंड कर देंगे अच्छे से ताकि फ्लफी मिक्सर बन जाए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही कम टाइम में केक बन जाता है। आपने क्या करना है कि 1 कप ऑयल लेना है, 1 कप ग्राइंडेड शुगर लेना है, और 1 कप हमने लेना है मैदा और वनीला एसेंस एंड बेकिंग पाउडर। दैट्स इट, बस यही इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। अब नेक्स्ट हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। एज यू कैन सी इन द वीडियो, वनीला एसेंस को कि हमने ऐड करने हैं 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं, क्योंकि वनीला एसेंस की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए आपने ज़्यादा वनीला एसेंस ऐड नहीं करना, जस्ट 3 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। दैट्स इट, इसके अलावा हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना वनीला एसेंस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे, फिर लास्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे। अब हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और लास्ट स्टेप में हम मैदा ऐड करेंगे। दैट्स इट, अब हम ऐड करेंगे 1 स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे एंड 1/4 बेकिंग पाउडर और ऐड करेंगे। इट मीन्स कि हमने 1/4 चम्मच हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना है और उस मिक्सर को अच्छे से ब्लेंड कर देना है। एज यू कैन सी इट, इस तरीके से आपने अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि मिक्सर बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट हो जाए, फिर आप केक अच्छे से फूलेगा और अच्छे तरीके से बन सकेगा। और अब हमने लास्ट स्टेप में ऐड करना है मैदा, और हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करेंगे, थोड़ा सा बीट करेंगे एंड देन हम हाथ से फिर उसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। लाइट से हमने बीट करना है। आप देख सकते हैं मिक्सर कितना अच्छा मिक्सर बन चुका है हमारा केक के लिए।
अब हम और मैदा ऐड करेंगे, उसको हम साइड से इस तरीके से हम लोग ठीक कर लेंगे साइड से, ताकि अच्छे तरीके से जो साइड्स पर लगी हुई मैदा है वो भी मिक्स हम लोग मिक्स कर सकें। आपने जो बाउल है उसके साइड्स को अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि सारा मिक्सर अच्छे से मिक्स हो सके। अब हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे कि बस अब सारा मैदा हम लोग ऐड कर लेंगे एंड देन डन हो जाएगा मिक्सचर केक बनाने के लिए। और हम लोग क्या करेंगे, कुकर को प्री हीट कर लेंगे पहले से ही, ताकि कुकर गर्म हो और उसके फिर अंदर हम लोग अच्छे से केक बना सकें। इस तरीके से हमने मिक्स करना है। आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, ताकि केक बहुत ही फ्लफी सा बन जाए। अब हम हाथ से इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब बीटर का काम खत्म हो गया है, अब हम बीटर यूज नहीं करेंगे। अब बस अब केक डन हो रहा है, मिक्सचर डन हो रहा है केक के लिए। इसको हम आराम आराम से हाथ से फोल्ड कर लेंगे। एज यू कैन सी इट, आप लोग अपना ख्याल रखें, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, और अपना लाजमी ख्याल रखें। अब ये मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर, थोड़ा सा हमने फूड कलर ऐड करना है। यू कैन सी इट, ज़्यादा नहीं ऐड करना, बस 1.5 स्पून, टीस्पून, जो चाय का छोटा चम्मच होता है वो हमने फूड कलर ऐड करना है। देन हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मिक्सर अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही यमी रेसिपी है और बहुत ही यमी केक बन जाता है विद इन 1 आवर, एज यू कैन सी इट। अब हम क्या करेंगे कि बटर पेपर लगा लेंगे पैन केक में। अब हम केक इस पैन में हम क्या करेंगे, ऑयल, बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगा लेंगे थोड़ा सा, और अब हम इस मिक्सर को ऐड करेंगे केक पैन में। आपने ऐसे ही ऐड नहीं करना मिक्सर को, सबसे पहले जो केक का पैन है उसमें बटर पेपर लगाना है, और फिर उस पर ऑयलिंग करनी है, और जो केक का पैन है उसके ऊपर भी, साइड्स के ऊपर भी, अंदर से पूरा आपने ऑयल लगा देना है, ताकि फिर केक जब बन जाए तो आसानी से निकल जाए। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि स्टैंड को अलग कर लेंगे, और इस तरीके से टैप करेंगे हम केक पैन को, ताकि जो एयर बबल्स हैं वो हट जाएँ और केक अच्छे से फूल जाएँ जब हम केक को बनाएंगे। एयर बबल्स को आपने लाजमी इस तरीके से टैप करना है, ताकि एयर बबल्स हट जाएं। अब क्या करना है कि हमने तवे के ऊपर कुकर को रखना है, और ये स्टैंड को कुकर के अंदर रखना है, स्टैंड के ऊपर हम अब पैन केक को रखेंगे। इस तरीके से आपने ऐड कर देना है पैन केक को, और कुकर को हमने प्री हीट किया था 10 मिनट्स तक, और तवे के ऊपर रखना है, और आंच जो है वो बहुत स्लो रखनी है। कुकर को हम बंद करेंगे, और ये प्रेशर कुकर है एज यू कैन सी इन द वीडियो। अब हमने इसको तब तक कुक करना है, हमने इसको 1 आवर तक इसको हल्की आंच पर हमने कुक करना है केक को अच्छे से। अब नाउ आवर केक इज रेडी टू सर्व। अब केक रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि साइड्स को इस तरीके से चूरी की मदद से हम लोग इस तरीके से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, ताकि हर केक निकलने में आसानी हो जाए, और केक को हम 1 घंटे तक छोड़ देंगे, ताकि ठंडा हो जाए केक, क्योंकि जब केक को अगर हम फौरी निकालेंगे तो वो टूट जाएगा। इस तरीके से हमने 1 आवर तक केक को रखना है साइड पर, ताकि केक निकालने में आसानी हो और केक ठंडा हो जाए, और हमारा केक ना टूटे, आराम से निकल जाए। इस तरीके से विद इन 1 आवर आवर केक इज़ रेडी। यू कैन सी इट, कितना खूबसूरत कलर में केक बन चुका है। यू कैन सी इट, आवर टी केक इज़ रेडी। अब हम इसको निकाल चुके हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारा केक बन चुका है। अब हम इस तरीके से इसको काटेंगे। यू कैन सी इट, विद इन 1 आवर केक बन जाता है प्रेशर कुकर में। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, वरना इस तरह की केक नहीं बन सकेगा। अब हम केक को निकाल लेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। यू कैन सी इट कि कितना फ्लफी सॉफ्ट केक बन चुका है। अब हम इसको खाएंगे, मज़े मज़े से खाएंगे हम इस केक को। एज यू कैन सी इट, कितना फ्लफी और सॉफ्ट केक बना है। नाउ आई एम गोना शो यू गाइस कि कितना फ्लफी
और स्पंजी केक बन चुका है विद इन 1 आवर. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय. मेक श्योर क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो यू कैन नेवर मिस माई वीडियोज़ एंड यू कैन वॉच मोर वीडियोज़ ऑन द गो. अल्लाह हाफिज.